को सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल रहेगा। अदर देन दैट ऐसा कुछ काम के नहीं है। सब रिकॉर्डिंग कर रहे हो? लेट्स स्टार्ट। क्या इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स? इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखो क्या होता है, डेफिनेशन लिखो। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द गिवन मैट्रिक्स ए। दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड भी नहीं बोलना चाहिए, इक्विवेलेंट, लाइक इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए, इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। इक्विवेलेंट का मतलब डू यू रिमेम्बर क्या होता था इक्विवेलेंट? हाँ सर, मतलब एकदम इक्वल नहीं। ना ना ना, नहीं इक्वल नहीं बोल रही मैं। हाँ इक्वल तो होंगे भी नहीं। इक्लन फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू ए, मतलब इट इज ऑब्टेन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया? अच्छा हाँ सर ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट होते हैं उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोलते। याद आया? हाँ वो याद है बट। तो लिख ले ब्रैकेट में, ऑब्टेन बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, नंबर ऑफ जीरोस इन ईच रो इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ब्रैकेट में लिख देना, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। थोड़ी भाषण बाजी है, उसको सिंपल वे में समझाता हूं अभी, बट लिखो इतना, सच दैट नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर ऑफ सच जीरोस इन द प्रीसीडिंग रो। सर मेरा पूरा गड़बड़ हो गया सेंटेंस। क्या गड़बड़ हो गया? तो वो मैंने जगह ही नहीं छोड़ा लिखने के लिए, मतलब मैं आपने पहले वो जीरोस के बाद इन ईच। अरे हाँ तो लिख देना, उसमें क्या हुआ, फिर ब्रैकेट में लास्ट में लिख दे जीरोस हियर मींस जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसे लिख दे। हाँ एक सेकंड। अरे अपने नोट तो खुद के लिए बना रहे हैं, बेचने के लिए तो ना बना रहे। अब इसका सिंपल मीनिंग समझाता हूँ, हो गया? हाँ जस्ट इज रिसर्च। मतलब दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्लन फॉर्म विल बी ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, ओनली एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, only row not column also. Second, it is sort of upper triangular matrix, sort of, exact nahi hai, kyun nahi hai abhi samjhata hu, but agree kar upper triangular matrix mein aisa hi hota hai. Dekh main kya bolna chahta hu, dekho pata hai upper triangular elements matlab lower triangular elements zero honge, aaya na? Correct or not? No. To isme ab dekh definition follow ho rahi hai kya jo humne likhi hai, number of zeros before the first non-zero element. फर्स्ट रो में ऐसे जीरोस कितने हैं? जीरो है, एक भी नहीं है, कम ऑन। सेकंड रो में ऐसे जीरो कौन है? एक है, कम ऑन, एक है। हाँ मतलब अगर ये जीरो है तो वो मैटर नहीं करता, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले कितने जीरो है, समझ गई? हाँ तो कितने जीरो है यहाँ पे? एक। नेक्स्ट रो में कितने हैं? दो। दो, तो बस हर रो के उसके प्रीसीडिंग रो से ज्यादा है ना। हाँ तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? इक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो गई। इंक्रीज होते जाने चाहिए, यहाँ एक जीरो है तो नेक्स्ट में एक नहीं, जीरो नहीं चलेंगे, एक चलेंगे, दो चलेंगे, तीन चलेंगे। अब यहाँ पे दो है, अगर फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स होती तो उसमें तीन जीरो मिनिमम चाहिए होते। यहाँ तक समझ में आ गया बस?
तो कैन आई से काइंड ऑफ अपर ट्राइंगुलर है? एग्जैक्ट अपर ट्राइंगुलर नहीं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाएगी, कभी कभी 3-0 एकदम से बन जाएंगे ना, और क्या गड़बड़ होगी भी बात करते हैं। तो अब तेरे को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर। तो मैट्रिक्स क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैट्रिक्स है, चलेगा? और लेट्स से 10 ले लेते हैं, इसको अब इसके इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है? कन्वर्ट इनटू इक्वलन फॉर्म। इक्वलन फॉर्म क्या होता है, बस जीरोस बनाते जाओ, कैन आई से लाइक दैट रफली लैंग्वेज में? तो सबसे पहले जीरो किसको बनाना है, इसको, याद है? क्लियर? यस। तो इसको किसकी हेल्प से बनाऊंगा, वन की हेल्प से। हाँ, क्योंकि नीचे वाले को भी चेंज, नीचे वाले को, क्योंकि अभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे वाला टच करूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ऐसे गोल गोल पानी खेलते रहेंगे। तो फिर इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, मतलब ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें पता है मैट्रिसेस में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती है, वो इक्विवेलेंट होती है, हाँ है ना? तो आर टू माइनस क्या कर रहा हूँ, 4R1, जीरो, सही है ना? ये जीरो हो गया, ये 5 - 8 कितना हो गया, -3, 6 - 12 कितना हो गया, -6, सही है? और इसी स्टेप में 7 को भी जीरो बना दो, क्योंकि अपन को ऐसे जीरो तो चलते रहने चाहिए ना। कमन, R3 gives you R3 minus 7R1, कर सकता हूँ? हाँ। 7 कितना हो जाएगा? सो तो मैं सेकंड टाइम में उसको नहीं यूज कर सकती R2 को? कर सकती है, बट जब ये जीरो बन चुका है तो 7 को जीरो की हेल्प से कैसे जीरो बनाएगी, तो बता? नहीं नहीं करेक्ट ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, क्या ये इक्वलन फॉर्म है? नहीं, अभी तक नहीं, वो -6 है। ग्रेटर होना चाहिए ना, इक्वल टू भी छोड़ो, हमेशा जीरोस क्या है, बढ़ते जाने चाहिए। यहाँ एक जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो के लिए ट्राई करो, बन सकता है तो। गॉट इट? यस। तो यहाँ पे कितने अभी, किसको अब जीरो बनाएंगे, तो बताओ, इसको बनाएंगे या -6 वाले को जीरो बनाना? -6 को। तो -6 को किसकी हेल्प से बनाएंगे, 2 की हेल्प से या -3 की हेल्प से? तो -6। हाँ, क्योंकि 2 की हेल्प से बनाएगी तो ये जीरो डिस्टर्ब हो जाएगा, कम ऑन, चला जाएगा, हाँ है ना? यस सर। So R3 gives you R3 minus 2R2. 1, 2, 3, 0, -3, -6, 0, 0, -11 + 12 कितना हो जाएगा, 1? हाँ, ठीक है। ये इसके प्रॉपर इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही जीरो है और यहाँ पे जीरो बढ़ रहे हैं। कैन आई से लाइक दैट? मतलब डेफिनेशन में मैंने चेंज किया है, इट इज ग्रेटर, सिर्फ ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। बढ़ते जाना चाहिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देख, छोटा सा चेंज करता हूँ मैं किसी क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे 10 की जगह 9 कर दिया मैंने और इसको बोला इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, पहले तो 9 - 21 - 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे अभी भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, -6 को 0 बनाने के लिए करें, और ये -12 + 12 वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। बट फर्क पड़ रहा है इसे, या ये भी इक्वलन फॉर्म ही है? कम ऑन, ये भी वही फॉर्म है, यहाँ पे 1 जीरोस है और यहाँ पे 3 जीरोस है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वलन फॉर्म ही है, क्या तक क्लियर? हाँ, ठीक है। दिस इज द इक्वलन फॉर्म, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, पक्का क्लियर? हाँ। कॉपी करना है? इसका फायदा क्या? आज थर्सडे को ऐसे इक्वलन फॉर्म पढ़ते हैं अपन, इसका यूसेज क्या होगा अभी सब समझ में आएगा, अभी सब टर्मिनोलॉजी समझ नहीं, इसका यूसेज आएगा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, समझने के लिए, जो अभी करेंगे।
अब से सारी चीजें लिंक्ड है। इक्लन फॉर्म के बाद पढ़ेंगे अभी रैंक, रैंक के बाद लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड पढ़ेंगे। तो वो लास्ट में अपने क्या लिखा, नंबर ऑफ क्या, तो वो वाइट में जो फोर्थ सेंटेंस है, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सच जीरोस, सच मतलब वही बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। हाँ होमवर्क की तरह कर लेना। हाँ आगे बढ़ूं? हाँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रो से भी डेंसिटी वाला, रो से भी नोट करते हैं, रैंक ऑफ ए भी लिख देते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन, रैंक इज अ वैल्यू एसोसिएटेड, वैल्यू है स्केलर क्वांटिटी है, एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स ए। It is highest order of non-zero minor present in the matrix A. वो obviously थोड़ा confusing है but समझते हैं। It is the highest order of the non-zero minor present in the matrix A. हो गया? चलो अब समझो मेरे साथ यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, लेट्स से मैट्रिक्स A इज 1, 2, 3, 4, अपना फेमस 7, 8, 9। अब रैंक क्या है? रैंक एक स्केलर क्वांटिटी, रैंक कोई मैट्रिक्स मैट्रिक्स नहीं है, रैंक जैसे एक वैल्यू है कि रैंक विल बी 2, रैंक विल बी 3, रैंक विल बी 1। यहां तक क्लियर? हाँ। अब रैंक क्या होती है? ऑर्डर होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 3 है। 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है ना। हाँ। तो यहाँ पे रैंक 3 हो सकती है, 3 नहीं होगी तो फिर 2 के लिए ट्राई करना पड़ेगा, 2 नहीं होगी तो 1 के लिए, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए। यहाँ तक क्लियर? अब कैसे रैंक 3 कब होगी? अगर थर्ड ऑर्डर माइनर मैंने देखा और उसकी वैल्यू 0 है, 0 नहीं है, तो फिर रैंक क्या हो जाएगी? 3। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं वापस? वो रीजन बाद में, करेक्ट ना? तो ऑफ कोर्स जैसे ये डिटरमिनेंट है तो इसमें डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं तो मैं माइनर भी बोल सकता हूँ, करेक्ट ना? कैन आई से माइनर ऑफ 3 ऑर्डर इज दिस डिटरमिनेंट इटसेल्फ? आई विल रिपीट अगेन, ये डिटरमिनेंट का थर्ड ऑर्डर है तो एक्चुअली माइनर तो इसकी सेकंड ऑर्डर की या फर्स्ट ऑर्डर की होती है, बट बोलने के लिए बोल सकता हूं कि माइनर थर्ड ऑर्डर का मतलब द डिटरमिनेंट इटसेल्फ। याद है? क्लियर? तो सबसे पहले सिंस इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, इसलिए रैंक 3 है या 3 नहीं है? कम ऑन, नहीं। यस, क्या यहां तक क्लियर हुआ? हां। अब मुझे किसकी रैंक किसके लिए? 2 के लिए चेक करना है, समझ में आया? क्योंकि हमें हाईएस्ट लेना पड़ता है, इसलिए हाईएस्ट चालू कर रहे हैं। गॉट इट यहां तक? तो अब रैंक 2 के लिए कैसे चेक करेंगे? क्या बोला डेफिनेशन है? तुम्हें बस एक भी नॉन जीरो माइनर चाहिए, अगर एक भी नॉन जीरो माइनर निकला सेकंड ऑर्डर का तो रैंक 2 हो जाएगी। यहां तक क्लियर? तो कोई भी एक सेकंड ऑर्डर का माइनर पकड़ लो, मैंने यही पकड़ लिया सबसे इजी, कम ऑन। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या 0 नहीं है? बस नहीं है, नहीं है, तो बाकी सब चेक करने की जरूरत है या रैंक 2 बोल सकते हैं आप? कम ऑन, रैंक 2 बस।
रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 2 हो गई है, अब आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ना दूसरे माइनर को चेक करना है ना ऑर्डर कम करके चेक करना है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो रैंक इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो माइनर। बाय द वे अभी ये वाली डिटरमिनेंट तू चेक करती जीरो आ जाती तो फिर क्या करते? सो फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं, फिर बाकी सारी माइनर चेक करनी पड़ती। समझ में आ रहा है? कि उस देखो क्या पता एक माइनर जीरो हो जाए, देखो क्या पता एक माइनर जीरो हो जाए दूसरे नहीं होती तो नहीं हो सोच सकता। ऐसा हो सकता था ना, तूने ये वाली पकड़ ली, कमान देख तू ये वाली पकड़ लेगी, इसका तो वैल्यू जीरो आ जाएगा देख, बट हाँ। इसकी वैल्यू तो जीरो नहीं है कमान, तो रैंक स्टिल टू हो जाती। समझ में आ रहा है? मतलब हमें सारे माइनर देखनी पड़ेगी। व्हाट इट यहाँ तक? हाँ। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं नहीं कॉपी करें यहाँ तक।